बिजनौर की कोतवाली देहात पुलिस ने लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर पैसे की डिमांड करने वाली एक शातिर महिला और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला मूल रूप से असम की रहने वाली जमीला है, जो पूजा शर्मा बनकर कोतवाली देहात इलाके में रह रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना संग्राम सिंह ने बताया, दिनांक 6 जुलाई को थाना कोतवाली देहात में पूजा शर्मा निवासी तिलक नगर दिल्ली द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि उसकी शादी अकबराबाद में रहने वाले एहतसाम सनफ फरीद के साथ हुई। एहतसाम घर से गायब है तथा उसके घर वाले उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून डॉटर ऑफ रजर बली है, जो कि असम के जिला दरांग की रहने वाली है। उसके द्वारा दिया गया आधार कार्ड फर्जी साबित हुआ, साथ ही उसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट व इलेक्शन कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि सत्य पाए गए। असम में रहने वाले उसके माता पिता के द्वारा भी उसकी पहचान अपनी बेटी जमीला खातून के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून ने पूजा शर्मा बनकर देहरादून में दो व्यक्ति सोनू राजपूत व नौशाद कुरैशी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए थे। दोनों ही व्यक्ति जेल में हैं। पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून देहरादून में रहने वाले सलमान व अकबराबाद में रहने वाले जहीर, आसिफ व खालिद व अमजद के साथ मिलकर पैसों की उगाही करती थी। एहतशाम के पिता फरीद से भी पैसों की डिमांड की जा रही थी कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया। फरीद की एप्लीकेशन पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, साथ ही जमीला खातून, जहीर व आसिफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।